काश बैठे हैं, लग रहा है मालती भाभी इनको मार दी है। पता होता तो छीन नहीं लाते। चोरी हेलो नमस्कार दोस्तों, गोलू न्यू ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। करीब 2 महीने के बाद आ गया हूं मिस्टर विष्णु राज के घर पे दोस्तों, और देख सकते हैं विष्णु राज की गाड़ी खड़ी है और ये चाचा की गाड़ी है, और ये हमारे साथ मोहित गौड़ ऑफिशियल चैनल के मालिक हैं दोस्तों। और अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं दोस्तों। आज आकर यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मोहित? बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत दिन बाद आओ। और इधर की लोकेशन आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके से है। तो अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, और इधर देख सकते हैं विष्णु राज का जो पहले की गाड़ी थी दोस्तों, जिससे वो सुपरस्टार हुए हैं वो गाड़ी है। और इधर इनकी बकरी है जो उनके नाना चराते हैं दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग ब्लॉग में बने रहे, चलिए अंदर दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अभी छत के ऊपर चलता हूँ, अभी सीढ़ी नहीं बनवाए हैं, विष्णु राज जी क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों अभी छत के ऊपर आ गए, उनका देख सकते हैं यूट्यूबर्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और उधर देखिए दोस्तों, विष्णु राज और प्रीति जी आ गए हैं, और उनके नाना हैं। हाँ हकदा हकदा दोस्तों, इनका अमरूद का पेड़ है, बहुत ही मीठा है। अभी इस पर हम लोग चढ़ के 2-3 अमरूद तोड़ेंगे, मालती भाभी देखेंगी। तो दोस्तों यही उनका गांव है पूरा, आप देख सकते हैं। पहली बार मैं ऐसा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लोग ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और हमारे साथ ऊपर आ गए हैं मोहित गौड़ ऑफिशियल चैनल। तो दोस्तों यहाँ विष्णु राज का घर है, जो पुराना घर है दोस्तों, पहले यहीं में ही रहा करते थे और अब नहीं रहते हैं। इधर वीडियो वीडियो पे पहले बहुत वीडियो बनाते हैं, वीडियो वीडियो पर लोगों भी उधर है दोस्तों। और इधर कमरा है, और इधर उनका बाजा है जिस साउंड से उन लोग चला कर शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, डांस करते हैं। और उधर अभी न्यू घर में खाना नहीं बनाते हैं दोस्तों, अभी इसी घर में ही बनाते हैं। तो उधर गैस है, चूल्हा है और चूल है दोस्तों। और चलिए मिलते हैं उनके नाना से, और इमारती चौहान जी अभी काफ़ी काम में बिजी हैं। तो अगले ब्लॉग में आप लोग देखेगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए पहुंच गए हैं विष्णु भैया के पास, और आज बहुत उदास बैठे हैं, लग रहा है मालती भाभी इनको मार दी है। क्या हुआ भैया? अरे यार, कपड़ा कोई रात को चोरी करके ले कौन चला गया, पता होता तो छीन नहीं लाते, चोरी करके ले गया ससुराल। तू घरे बैठवा, कुर्सी का सहारा लिए। हाँ, कब तक कुर्सी का सहारा लोगे? जब तक कपड़ा नहीं आ जाएगा। मतलब कपड़ा जगदीशपुरकारी बजरिया में थोड़ी यार, लाइक करेंगे जब कपड़ा तभी तो आएगा। ऐसे तो दोस्तों इसे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सर कुछ बोलिए सर। अब का बोले यार, कपड़ा तक सारा चोरी हो जा रहा है। चोरी ना हो रहा, चोरी ना हो, बियर फटा था इसलिए बच गया, ये अब समझ लो। तो भैया हमने रहते हुए उगारे रावा मेरा कपड़ा चोरी करने वाले की रुपया कपड़ा ला के दे दे, इज्जत हमारी चली जाएगी। कब तक कुर्सी का सहारा लेके रहेंगे बताओ? काबिल गोलो देखिए